नमस्कार, आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। मार्केट में जो रेड मिक्स मिलता है ना, गुलाब जामुन का जो पाउडर आता है, इसमें आज हम बनाएंगे। आप जब पहली बार बनाओगे ना, ये इतना सुंदर बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए पहले हमको चाहिए गुलाब जामुन का जो मिक्स आता है वो। एक प्याला ले लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे गुलाब जामुन का पाउडर। उसको हम दूध के मदद से गूंथेंगे। दूध यहाँ पे बॉयल वाला है, लेकिन रूम टेम्परेचर में है। देखिए, ऐसे गीला करके हमको मिक्स रखना है। ऐसे ना हम इसको ढंग के रख देंगे, उसके बाद हम चाशनी प्रस्तुत करेंगे। देखिए, एक बार दूध लिया था ना, इतना हमारा ज़्यादा हो जाएगा। जितना मैंने चीनी लिया था, इतना ही पानी दिया हूँ। सब चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, थोड़ा सा तेल तेल जैसे चाशनी लगेगा ना, तभी हमारा चाशनी प्रस्तुत हो गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची। इलायची थोड़ा खुशबू के लिए, आप चाहे तो रोज वाटर डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने गूंथ के रखा था, देखिए पहले जितना गीला था, अभी इतना गीला नहीं है। इसको आपको ज़्यादा गूंथना नहीं है। मैंने मिक्स करके रखा था अच्छे से, पर उसके बाद थोड़ा सा ही 3 सेकंड के लिए हम गूंथ लेंगे। देखिए, ऐसी बॉल जैसी हो रही है ना, इसका मतलब ये सही है। मैंने हाथों में थोड़ा सा घी लगा के इसको गोल आकर दिया है। देखिए, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। क्रैक होगा ना तो गुलाब जामुन तेल में छानेंगे, थोड़ा सा फट जाएगा। इतना ही छोटा छोटा हम लोई लेंगे और इसको एक गोल आकर दे देंगे। आप चाहे तो लंबा भी बना सकते। देखिए, तेल अभी भी हमारा गर्म नहीं हुआ है। गरम होने के बाद मैंने सब गुलाब जामुन डाला है और इसको ना हम सिम टू मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। देखिए, इसी ब्राउन कलर होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और चाशनी में डाल देंगे। जब चाशनी में डालेंगे ना, तभी चाशनी गरम होना चाहिए। तुरंत छानेंगे और तुरंत चाशनी में डालेंगे और 2 घंटा के लिए ना इसको ढक के रखेंगे। 2 घंटा के बाद आप यहाँ पर देख सकते गुलाब जामुन हमारा कितना फूल गया, जिसे आकार में दुगुना बड़ा हो गया। कितना सुंदर दिख रहा है ना यहाँ पे हमारा गुलाब जामुन। एक मैंने तोड़ के आपको दिखाऊंगी। ये बहुत स्पंजी बना है और कितना सुंदर जूसीला लग रही है। इसको देखने से मुंह में पानी आ जाता। ये गुलाब जामुन जरूर घर पे बनाए और आपका फैमिली लोग को खिलाए। आप पहली बार बना रही हो ना, ये आपका परफेक्ट बनेगा, क्योंकि इसको बनाना बहुत सहज है और ये इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है। छोटे छोटे बात को आप ध्यान रखिए और गुलाब जामुन बनाइए। इसको आप घर में कोई भी फंक्शन में बना सकते हैं। आप जब भी गुलाब जामुन बना रहे हो ना, दूध में गूंथा सकते, नहीं तो पानी भी इसमें दे के गूंथा सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसको गूंथेंगे ना, तभी ज़्यादा गीला रखिए, ज़्यादा सख्त मत करिए। इसका मतलब नहीं जी बहुत गीला, थोड़ा सा गीला रखिए और इसको ना ढंग के रख देंगे। उसके बाद चाशनी प्रस्तुत करें। चाशनी जब बनाएंगे, चाशनी को दोनों अंगूठी में आप चेक करिए, जिसके तेल जैसे लगेगा, तभी हमारी चाशनी अच्छे से प्रस्तुत हो जाएगा। अब 1 कटोरी चीनी ले रही हो तो उसमें 1 गिलास पानी दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हम इसको बॉयल नहीं करेंगे। थोड़ा सा बॉयल करेंगे, चाशनी हमारा प्रस्तुत हो जाएगा। और जब गुलाब जामुन आप डालेंगे चाशनी में, तो चाशनी गर्म होना चाहिए और गुलाब जामुन जब फ्राई करेंगे तो लो टू मीडियम होना चाहिए गैस का फ्लेम। आप हाई फ्लेम में यदि इसको छानोगे तो ये ऊपर काला हो जाएगा, लेकिन अंदर कच्चा रह जाएगा। आज के लिए इतना।